नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मुनीश मैथ, जिसके अंदर हम कर रहे हैं छठी कक्षा का गणित। और छठी कक्षा के गणित के अंदर एक्सरसाइज 3.4 आज हम करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 करने से पहले इसका एक शब्द है सार्वगुणनखंड। अगर आपको सार्वगुणनखंड के बारे में पता चल जाए कि सार्वगुणनखंड क्या होते हैं, तो 3.4 एक्सरसाइज आपके लिए बड़ी ही आसान हो जाएगी, आप खुद भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि सार्वगुणनखंड होते क्या हैं। बेटा, ये चीज तो आपने मेरे से पहले ही सीख रखी है कि गुणनखंड क्या होता है। मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि गुणनखंड और गुणज दोनों के बीच में क्या अंतर होता है और क्या होते हैं। गुणनखंड के लिए हमने क्या किया था, किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होता है जिस पर वह संख्या क्या होती है, विभाजित होती है, पूर्ण विभाजित होती है। नहीं क्लियर बात? ये था हमारा गुणनखंड का कॉन्सेप्ट कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड एक ऐसी संख्या होता है जिस पर वो संख्या क्या होती है, विभाजित हो जाती है, जो उस संख्या को पूर्ण रूप में विभाजित करता है। फिर बात आती है सार्वगुणनखंड की। अब जैसे नाम से क्लियर है, सार्व का क्या मतलब होता है, सार्व, सार्व का मतलब होता है सांझा। ठीक है, जहां इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कॉमन। ठीक है, तो जब कॉमन की बात आती है तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि कोई दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी। ठीक है, हम जहां बात अंकों की कर रहे हैं, संख्याओं की बात कर रहे हैं, किनकी बात कर रहे हैं, हम संख्याओं की। जब हम संख्याओं की बात करते हैं और बीच में सांझे गुणनखंड की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो संख्याएं हैं वो एक से ज्यादा हैं। ठीक है, तो फिर एक से ज्यादा संख्याएं, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमारे पास संख्याएं हैं 12 और 15। दो संख्याएं दे रखी हैं, हमें कहा जाए कि इनके सार्वगुणनखंड ज्ञात करें। कौन से गुणनखंड ज्ञात करें, सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड का मतलब कॉमन गुणनखंड, सांझे गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड आपको आते हैं, तो हल हम कैसे करेंगे, हम पहले 12 के गुणनखंड लिख लेंगे। किनके लिखेंगे, 12 के गुणनखंड। दो संख्याएं है ना, 12 और 15, तो 12 के गुणनखंड बोलो कौन से होते हैं। सबसे पहले एक, क्योंकि एक तो किसी भी संख्या को विभाजित करता है। फिर दो, दो के पहाड़े में भी 12 आता है, तीन के पहाड़े में भी 12 आता है, चार के पहाड़े में भी 12 आता है, छह के पहाड़े में भी 12 आता है, और 12 के पहाड़े में भी 12 आता है। क्लियर। फिर 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड बोलो 15 के कौन से आएंगे, एक के पहाड़े में, तीन के पहाड़े में, पांच के पहाड़े में, और 15 के पहाड़े में। ठीक है भाई, उसके बाद अब दोनों में से कॉमन कौन से हैं, ये है एक कॉमन, फिर तीन भी दोनों में है ना। एक और तीन ऐसे गुणनखंड हैं जो दोनों के अंदर हैं, इसलिए सार्वगुणनखंड। सार्व का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कॉमन, सांझे। सांझे गुणनखंड कौन से हैं, फिर 1, 3, जी हमारा आंसर आ गया। अब क्लियर हो गया ना आपको कि सार्वगुणनखंड का मतलब क्या है। जब आपको सार्वगुणनखंड का मतलब पता चल गया, आपको यह पता चल गया कि इसको किसी भी प्रश्न के अंदर आपने कैसे निकालना है, तो फिर 3.4 एक्सरसाइज आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो।
चलो हम इसका प्रश्न नंबर एक वहां से शुरू करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर एक का पहला पार्ट है हमारे पास 20 और 28, दोनों के सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमने। तो हल कैसे करेंगे, जैसे आपको पहले ही क्लियर है, सबसे पहले हम लिखेंगे 20 के गुणनखंड, ठीक। 20 के गुणनखंड कौन से होंगे, एक पहले एक तो सभी में आएगा, फिर दो के पहाड़े में भी 20 आता है, तीन में नहीं आता, चार के पहाड़े में आता है, चार पंजा 20, पांच के पहाड़े में आता है, छह सात आठ नौ दस के पहाड़े में आता है। जब आप आधे पर पहुंच जाओ, जैसे 10 इसका आधा है ना, उसके बाद तो सिर्फ 20 ही आएगा, क्लियर। फिर आ गया बात 28, 28 के गुणनखंड, 28 के गुणनखंड कैसे लिखोगे आप, 28 के गुणनखंड, गुणनखंड 28 किस किस के पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में, दो के पहाड़े में, चार के पहाड़े में, सात के पहाड़े में, सात चौका 28 होता है, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, चौदह के पहाड़े में, फिर 28 के पहाड़े में, ठीक है। इनके अंदर कॉमन कौन कौन से हैं, दो चार एक और कोई है नहीं है, तो फिर सारव गुणनखंड कौन से हो गए बेटा इसके, एक दो कॉमा चार, ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर। इसके बाद मैं इसका लास्ट डी पार्ट करता हूं, एक थोड़ा सा बड़ी संख्याएं हैं इसके अंदर, मैं सॉल्व कर देता हूं, 56 और 120 इसके सार्व गुणनखंड की याद करें, 56 और 120। तो हल के अंदर हम लिखेंगे पहले 56 के गुणनखंड, पहले एक तो हमने हर एक के लिए लिखना है, फिर दो के पहाड़े में भी आता है 56, क्योंकि दो के पहाड़े में क्यों आता है, क्योंकि इकाई का अंक 6 है तो दो पे विभाजित होगा, फिर तीन पे 6 5 11 नहीं होगा, चार के पहाड़े में 56 आता है, 14 चौका 56 होता है, पांच के पहाड़े में नहीं, 6 के नहीं 7 के नहीं, आठ के पहाड़े में आएगा, 8 7 56 होता है, 9 के 10 11 12 13 14 14 चौका 56, ठीक है, 15 16 17 18 नहीं आता किसी के भी, उसके बाद सीधा आएगा 28 के पहाड़े 56, 28 फिर 56 के पहाड़े, क्लियर। 28 दूनी 56 होता है, 56 एकम 56 होता है, इसके बीच में शायद नहीं आएगा, 14 चौका 56 होता है, तीन पे ये जाता ही नहीं, ठीक है। फिर है 120 के गुणनखंड, कितने आएंगे, एक के पहाड़े में, दो के पहाड़े में, तीन चार के पहाड़े में, चार तीन 12 होता है, पांच के पहाड़े में क्योंकि पीछे इसके 0 आ गया, 6 के पहाड़े में 6 2 12 होता है, 7 नहीं आएगा, 8 के पहाड़े में 8 1 8 चार बच गया 40, 8 5 40, ठीक है। 9 के पहाड़े में, 10 के पहाड़े में आएगा ही क्योंकि पीछे 0 पड़ी है, 11 12 12 के पहाड़े में भी आएगा, 13 14 15 16 17 18 19 20 के पहाड़े में आएगा, उसके बाद 20 का 120, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 के पहाड़े में आएगा उसके बाद, क्योंकि 3 चौका 12 होता है, 31 32, ठीक है, उसके बाद 60 के पहाड़े में आएगा, फिर 120 के पहाड़े में, क्लियर। अब सारव गुणनखंड कौन सी आ गए, एक आ गया दोनों के अंदर, दो आ गया दोनों के अंदर, चार आ गया दोनों के अंदर, आठ आठ भी आ गया दोनों के अंदर, 14 28 56 नहीं आया, तो फिर सारव गुणनखंड कौन से आए बेटा, 1 2 4 और 8। यहां पे बेटा मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूं,
कि जो आपको पेपर के अंदर प्रश्न आएगा वो इतने बड़े जो अंक हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है, छोटे अंक ही आएंगे, आप खुद उसको ज्ञात कर पाओगे। इसके बाद प्रश्न नंबर दो, इसके दो पार्ट मैंने छोड़े हैं, 15-25 वाला, 35 और 50 वाला, बिल्कुल छोटी संख्याएं हैं, आप उनके सार्वगुणनखंड खुद हल कर सकते हो। उसके बाद प्रश्न नंबर दो, दो के भी बिल्कुल छोटी छोटी संख्याएं हैं, लेकिन संख्याएं तीन हैं इसमें, तो दूसरे के दोनों पार्ट हम देखते हैं। दूसरे का पहला पार्ट देखो बेटा, आपको संख्याएं दी गई हैं 4, 8 और 12, इनके सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं तीन संख्याओं की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 के गुणनखंड, बड़ा आसान है, 4 के गुणनखंड 1, 2, 4। फिर हम लिखेंगे 8 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8। फिर हम लिखेंगे 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12। ऑटोमेटिक क्लियर है ना पहले ही आपको। तो सार्वगुणनखंड कौन से आ गए जो तीनों के अंदर है, ये भी है। यहां पे 4 नहीं देना बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, 4 को नहीं लेना, क्योंकि 4 पहले में भी है, दूसरे में भी है, ओ सॉरी तीसरे में भी है, तो फिर हम लेंगे, ठीक है। तो फिर सार्वगुणनखंड कौन से आगे, 1, 2 और 4, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट हल। पहले हम 5 के लिखेंगे, 5 के एक है 5 है, फिर 15 के 1, 3, 5, 15, 5, 3, 15, फिर 25 के 1, 5, 25। तो यहां 1 और 5 तीनों के अंदर है, इसलिए सार्वगुणनखंड कौन से आ गए बेटा, सार्वगुणनखंड 1 और 5, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, बड़ा आसान प्रश्न था, बस इसमें नई बात यही थी कि संख्याएं 2 की जगह पे 3 थी, बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले प्रश्न के अंदर किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, तीसरे प्रश्न का पहला पार्ट है बेटा आपके पास, 6 और 8, लेकिन यहां पे आपको बता देना चाहता हूं कि गुणनखंड नहीं है, गुणज ज्ञात करनी है, सार्वगुणज, बड़ा आसान है ये भी। पहले हम 6 के गुणज लिखेंगे, 6 के गुणज, ठीक है, फिर हम लिखेंगे 8 के गुणज। इन्होंने यहां पे एक बात और कही है, गुणज तो कितने भी हो सकते हैं, इनकी तो गिनती नहीं है, इन्होंने कहा है पहले 3 ज्ञात करिए, कौन से पहले 3, प्रथम 3 सार्वगुणनखंड, प्रथम 3 ज्ञात करने हैं हमने। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 6 × 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, देखते हैं जहां 3 मिल गए हम वहीं रुक जाएंगे। 8 × 8 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, यहां तक अभी तक हमें कितने मिले बेटा, सिर्फ 1 ही मिला है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा अभी। 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, देखो दूसरा भी आ गया 48, 6 × 9 = 54, ठीक है, 6 × 9 = 60, यहां देखिए 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, 8 × 10 = 80, ठीक, 6 का पहाड़ा और आगे बढ़ो क्योंकि हमने तीसरा भी इनका कॉमन देखना है, ठीक है, तो 6 × 10 = 60, 11 × 6 = 66, ठीक है, 11 × 6 = 66, 12 × 6 = 72, उस साइड मैंने नहीं लिखा क्योंकि थोड़ा कट आउट हो जाता, तो देखिए यहां भी 72 आ गया, यहां भी 72 आ गया, तो पहले 3 जो गुणज थे वो हमें प्राप्त हो चुके हैं। हमने इस पहाड़े को, या ये कहो
कि इसको छह छह के डिफरेंस के साथ तब तक लेना है जब तक दोनों के अंदर तीन तीन गुणज नहीं आ जाती, ठीक है। इसलिए प्रथम तीन सार्व गुणज कौन से आ गए, एक तो 24 आया, एक 48 आया, एक 72 आया, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद है 12 और 18 के लिखने हैं आपने, 12 और 18 के, ठीक है। तो खुद कर लोगे कि मैं करूं 12 और 18 के, चलो मैं लिख के दिखाता हूं। 12 12 के आएंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजा 60, 12 छिका 72, 12 सात 84, 12 आठ 96, 12 नए 108, 12 दाए 120, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया है 12 और 18 का, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौका 72, 18 पंजा 90, 18 छिका 108, 18 सता 126, 18 8 144, यही आ रहा है ना, ठीक है। तो यहां पे देखें सार्व गुणनखंड कौन कौन से हमें प्राप्त हो चुके हैं, ये देखें 72 इसमें भी है, 72 इसमें भी है, इससे पहले कोई था 36 में भी है, 36 में भी है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आया 108 इसमें भी है, 108 इसमें भी है, तो ये आपके सार्व गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं, क्लियर। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 के अंदर बेटा इन्होंने कहा है 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखें, 100 से छोटी होनी चाहिए, पहली बात। जो 3 और 4 के सार्व गुणनखंड हैं, 3 और 4 के सार्व गुणनखंड है बेटा, यहां पे बताना चाहता हूं 3 और 4 के सार्व गुणनखंड, ठीक है। अगर हम 3 और 4 का एलसीएम निकाल लें, वैसे एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको बाद में आएगा, शायद 5वीं कक्षा में थोड़ा बहुत था, ठीक है। तो यहां में 3 और 4 का कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं है, 3 और 4 का, ठीक है, गुणनखंड नहीं है ना, तो इनकी गुना कर दें आप, 3 × 4 कितना आ गया 12 आ गया ना, एलसीएम इसका 12 आ जाएगा। अब आप 12 का पहाड़ा पढ़ लो, लेकिन 100 से नीचे नीचे रहना चाहिए, तो फिर 12 × 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96, 12 × 9 = 108 जो है 100 से ज्यादा हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर हुई बात। कैसे 3 और 4 को गुना कर दिया मैंने, 12 आ गया, 12 का पहाड़ा है जो वो 3 और 4 के सार्व गुणज का पहाड़ा है, क्लियर हो गई बात। 3 और 4 के सार्व गुणज हम सीधे ही निकाल सकते हैं यहां से। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बेटा आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक शब्द है यहां पे सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य शब्द का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग है। अभाज्य संख्याओं के बारे में तो आपको पता ही है, पहली अभाज्य संख्याओं के बारे में पता है ना, तो फिर सह अभाज्य कौन सी होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका सार्व गुणनखंड है जो वो सिर्फ एक होता है, ठीक है, जिनका सार्व गुणनखंड सिर्फ एक होता है वो संख्याएं कौन सी होगी सह अभाज्य। जरूरी नहीं कि वो दोनों संख्याएं अभाज्य हों, ठीक है, भाज्य संख्या भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 11 और 14 मैंने लिया, बताओ ये दोनों जो संख्याएं हैं वो सह अभाज्य हैं या नहीं है, क्योंकि देखो 11 के गुणनखंड कोई नहीं होते, ठीक है, 1 और 11 ही होते हैं, 11 के गुणनखंड 1 और 11, 14 के गुणनखंड 1, 2, 7, 14,
इन दोनों का सार्व गुणखंड कौन सी आएंगे फिर? सिर्फ एक है, है ना, सिर्फ एक सार्व गुणखंड। इसलिए 11 और 14 क्या है? सह अभाज्य है, सह अभाज्य। हालांकि यहां पे एक बात सोचने की है, जो 14 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है? सह अभाज्य है। क्लियर बात हो गई? दोबारा फिर बताना चाहता हूं कि सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके सार्व गुणनखंड सिर्फ एक होता है, ठीक है, वो खुद भाज्य भी हो सकती है अभाज्य भी हो सकती है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि उनकी जो संख्याएं हैं वो अभाज्य हो। क्लियर हो गई ना ये बात? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 के हम प्रश्नों को करते हैं। 5वें प्रश्न का पहला पार्ट है 18 और 35। हमने ये बताना है कि ये सह अभाज्य है या नहीं है। हल, हल के अंदर हम क्या करेंगे? सह अभाज्य के लिए हमें इनके सार्व गुणनखंड चाहिए। तो पहले 18 के गुणनखंड किसके? 18 के, बोलो कौन सी आएंगी? 1, 2, 3 के पहाड़े में आता है, 4 में नहीं आता, 6 में आता है, 9 में आता है, 18 में आता है। 35 के गुणनखंड, 35 के है 1, 5 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में, 35 के पहाड़े में। तो इनके सार्व गुणनखंड कौन से हैं? सार्व गुणनखंड सिर्फ एक है, है ना। इसलिए 18 और 35 सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर हो गई ना बात? ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बारे में हम डिटेल से अगले प्रश्नों को भी करेंगे, जो मैं अगली वीडियो के अंदर कवर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। तो इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी भी प्रश्न के लिए YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।